कौन से ड्रामे मतलब जो है ना ग्रीन एंटरटेनमेंट के देखे हैं तो वो मुझे बताएगा। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज जो है वो 10 मुहर्रम जो स्टार्ट हो चुकी है और सही टाइम है। जैसे कि मैंने आपको अभी जो लास्ट ब्लॉग ख़त्म हुआ तो उसमें मैं कहा था कि अब हम सही टाइम मिलेंगे आपसे, तो बस सही की तैयारी हो रही है किचन में और ये रहे हमारे दही के बाउल रेडी कर लिए मम्मा मीठे। पापा सो रहे हैं और अली जो है वो अपने लैपटॉप में लगा हुआ है और मैं जो ना अपना काम कर रही थी। फिर मैंने देखा मामा जो है सैरी बनाने जा रही है, तो फिर मैंने कहा चलो मामा की देख लेते हैं, मदद करते हैं। बट मामा कह रही मुझे अभी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने कहा चलो मैं अपना काम कर लेती हूँ, काम करती हूँ जब तक ज़रूरी काम है, फिर आपसे मिलते हैं। जी फ्रेंड्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सैरी का टाइम हो गया है और लेट मी शो यू सैरी में क्या क्या है। ये मामा की लस्सी है और दही, ये आलू की कतलियाँ, कबाब, हलीम एंड ये रही बल्ले जो सैरी अफ्तारी के बचे हुए थे। तो ये सब कुछ जो है ना यू कैन सी ये हमारी सहरी में है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, और नेक्स्ट डे हो गया है, 10 मुहर्रम है आज। तो आज सुबह से इतनी नियाज आ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह से, मुझे तो बहुत मज़ा आता है नियाज का। तो अली सुबह से क्या क्या नियाज आ गए हमारे घर में? हाँ हलीम आ गई है और बिरयानी आ गई है, पुलाव बिरयानी ना, और हलवा भी आया था। तो बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे तो खुशी होती है जब नियाज आती है। और आप लोग मुझे बताइएगा आप लोगों के घर में क्या क्या नियाज आई और आपको मज़ा आता है या नहीं आता नियाज खाने का। नियाज खाने का तो और उसको ज़ाया भी नहीं करना चाहिए, तो खाएँ लाजमी, वेस्ट ना करें फूड। तो खाना तो वैसे भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो जो भी आया करे तो उसको थोड़ा खाएं, लेकिन खाएं क्योंकि नियाज होती है। और माँ बाबा जो है वो ज़रा काम से गए हैं बाहर, मैं जो ना अपना काम कर रही थी पहले, और अब जो है ना अज़ान हो गई है तो नमाज़ पढ़ लेते हैं ज़ुहर की, तो फिर आपसे मिलते हैं। जी फ्रेंड्स, तो अब हम लोग जो है ना अफ्तारी की तैयारियाँ करते हैं। अभी है वैसे काफ़ी टाइम, अभी तो असर भी नहीं हुई, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ा जल्दी काम स्टार्ट कर देते हैं ताकि बिल्कुल अफ्तारी के टाइम पर जाना बिल्कुल खिचमिच ना मचे। तो काम शुरू करते हैं, फिर मैं आपको भी दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है ना मैं बनाऊँगी फ्रूट चाट। तो फ्रूट चाट के लिए पहले फ्रूट्स कट करते हैं और बाकी जो ऊपर वो डलते हैं ना नमक नमक और चीनी वगैरह जो भी जूस वगैरह डलते हैं वो मामा डालेंगी। तो मैं फ्रूट्स वगैरह कट करके रेडी कर देती हूँ ताकि मेरे मामा इसके ऊपर वो डाल के बस जस्ट मिक्स कर देंगे। मैंने मामा से कहा मामा लेट आराम करें और मैं काम कर लेती हूँ, क्योंकि कटिंग वगैरह इतना कोई होता तो मुश्किल काम नहीं, तो मैं पहले मैं कर लेती हूँ और सारे काम। जी फ्रेंड्स, तो हमारे जो फ्रूट चाट है वो भी रेडी हो चुकी है। ये रही फ्रूट चाट, ये रहे हमारे दही भल्ले और जो हमारे वेजिटेबल्स हैं ना पकौड़ों के लिए वो भी मैंने कट कर लिए हैं। अब बस मामा जो है ना इसका मिक्सचर बना दें तो फिर जो है ना मैं तलूँगी बैठ के फ्राई करूँगी, जब तक जो है ना नमाज़ पढ़ लेते हैं ऐसे की। और देखें हमारे पकोड़े जो है ना वो रेडी हो रहे हैं, बनते भी बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। और ये मिक्सचर है हमारा और अभी बनता है, तो फिर आप खाते पकोड़े कैसे लगे? जैसे कि आपने देखा अजान हो गई है, तो हम सब जो है ना अब इफ्तारी कर रहे हैं। इफ्तारी करने के बाद आप सुन रहे हैं। जी फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने इफ्तारी कर ली थी और अब जो है ना हम लोग जा रहे हैं निकी से मिलने, तो चले चलते हैं और जाके मिलते हैं निकी से। फ्रेंड्स, हम लोग जो है ना अम्मी के घर आ गए हैं और मामा जो है ना खाना ले आई थी। आज जो है ना हमारे घर आई थी नियाज हलीम की, तो बाबा के फ्रेंड के यहाँ से आई थी, तो बाबा ने
मामा ने कहा चलो निकी से मिलने जा रहे हैं तो निकी के साथ खाना खा लेते हैं, क्या ख्याल है अम्मा? तो हलीम जो है ना अपने साथ ले आए थे, और फिर अभी हम मामा गर्म करेंगे तो फिर हम खाएंगे मज़े वाली रोटियां लेने गया हुआ है, और फिर हम मज़े मज़े से हलीम खाएंगे हलीम की न्याज। और ये रही निकी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, आप बताएं तबीयत ठीक है? हाँ तबीयत ठीक है। घर में अकेले कैसे रह रही हैं? डर तो नहीं लग रहा? डर नहीं लगता, बस बोर बहुत होती है। बोर होती है? मूवीज़ देखा करें यार, मुझे तो टाइम नहीं। एक लिमिट होती है हर चीज़ की। हाँ ये तो बात, देख देख के तंग आ गई, मैं छोड़ देती हूँ। मैं तो कहती हूँ मैं क्या करूँ, लेकिन ड्रोने नहीं देखती क्योंकि घर पे अकेले नहीं देखती। यार शॉर्ट स्टोरीज देखा करने, बड़ा मजा आता है देखने का। नहीं यार ये जो आया ना ग्रीन ग्रीन के जो नए ड्रामे हैं, अच्छा सबसे जबरदस्त जो रिकमेंड करूंगी मैं वो है काबरी प्लाव। नौरोज, नौरोज इतने जबरदस्त, मैंने भी सुना है उसका कि बहुत अच्छे हैं। एक तो सबसे अच्छा ये है कि ये जो फजूल जो जियो और एयर वाई और हम के जो ड्रामे नहीं होते, इसकी जो टिपिकल स्टोरी होती है प्यार मोहब्बत तलाक और ये सब चीजें, वैसे नहीं, उन सबसे ना डिफरेंट है ये। इसलिए ये अच्छी है, यानी कि वो वाली चीजें नहीं है कि जी जनाब एक टिपिकल स्टोरी, टिपिकल स्टोरीज का मजा नहीं आता। वो ट्रायंगल होते कि ट्रायंगल आ गया जी, वो उससे प्यार करता, वो उससे और जादू टोना हो रही है, पता नहीं क्या कुछ, अल्लाह माफ करे। उससे डिफरेंट स्टोरी है, इतनी अलग स्टोरी है कि आपको मजा आएगा देखने का। चलो अच्छी बात है, लेकिन अभी मैं ये भी कहूँगी कि थोड़ी सी, क्योंकि अब मुझसे सबर नहीं हो रहा। वो आता है मुझे पहले दिन ही देख, वीक में एक दफा ही आ रहा है, एक ही दफा आता है। और मुझे होता है कि बस ये हफ्ता कैसे गुजरेगा, अभी आपको ये कहूँगी पूरा निकल जाए फिर तब मैं देखा। हाँ ये बात है, क्या ख्याल है ना आपका? कुछ लोग एक साथ देखने के कायल है, कुछ होता है कि वो हफ्ते में। मामा मुझसे वेट नहीं होता, मुझसे खुद मुझसे भी वेट नहीं होता, मुझे है कि बस कुछ पता चल जाए आगे होगा क्या। मुझे एक साथ लगा दे, हाँ वो हमारी सुनेंगे। मैंने ग्रीन कपड़े पहने हैं। ओह और ये देखें गर्मा गर्म हमारी हल्दी, हम निकाल दें आप जल्दी जल्दी। कटवा कटवा जी, और हम लोग जो है ना खाना खा चुके थे, फिर उसके बाद हमने काफ़ी देर तक बातें की, और अब जो है ना हम घर जा रहे हैं। ओके निकी, अल्लाह हाफिज़। ओके बेटा, ख्याल रखिएगा अपना, ठीक है ना? और हमने काफ़ी बातें की आज ड्रामास की, निकी ने बड़े बड़े अच्छे अच्छे ड्रामास हमें बताए हैं कि ये हम शुरू करें। निकी का तो और काम तो है नहीं, ड्रामे देखते रहती है। निकी को ना पता है, मैं बात सुने आप लोग ना कमेंट्स में निकी को कहें कि निकी जो है ना ड्रामास के रिव्यू किया करें, क्या ख्याल है मामा? हाँ इसको करना भी चाहिए, ये अच्छा रिव्यू करती बहुत, ये इतने ड्रामास देखती हैं, इतने ड्रामास देखती हैं, और इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज, मतलब नो हाउ हो गई है ड्रामास की, बहुत थोड़ा है ये सुनती हैं। क्या सुनती हूँ, डॉक्टर नहीं होता जिस तरह दिल को ऐसे देख नहीं सकता, कान लगा के सुन रहा होता, बता देते क्या बीमारी है। देख रही है क्या? सुन लेते बाकी भी मैं। तो निकी को आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर निकी को कहेगा कि निकी जाए वो ड्रामास के रिव्यू का चैनल खोलें, आप लोगों को पता चलेगा कौन सा ड्रामा अच्छा चल रहा है कौन सा नहीं। ओके हम चलते हैं। ओके अल्लाह हाफिज निकी, ख्याल रखें, फी अमानिल्ला। आए हाय हाय हम चलते हैं। जी फ्रेंड्स, तो हम लोग जो हैं वो घर आ गए हैं निकी के, हम तो निकी से कहते रह गए कि निकी हमारे साथ चले हमारे साथ चले, लेकिन निकी ने कहा नहीं। अच्छा हमें तो ताने भूल गए, निकी ना घर में अकेली थी कल से ना, फ्राइडे से, कल फ्राइडे से। हाँ क्यों? क्योंकि वानिया सुभान वगैरह जो है ना वो लोग सब गए हुए अपनी नानों के घर, तो निकी घर में अकेली थी। तो निकी को कहते रह गए कि आ जाए, लेकिन निकी नहीं आई इस दफ़ा। लेकिन हम निकी के साथ हमने बड़ी बातें की, बहुत ज़्यादा बातें की, बहुत मज़ा आया। और बस अभी हम आए हैं और मुझे अजीब सा महसूस होता है, निकी को आ जाना चाहिए था वैसे हमारे साथ, हम भी तो बोर ही हो रहे थे। निकी के साथ टाइम स्पेंड करते ना अलग ही मज़ा आता है, अलग लेवल का मज़ा आता है। लेकिन निकी नहीं आई, क्या कर सकते हैं, निकी को कोई नहीं समझा सकता।
तो बस अब देखते क्या करते हैं जी। तो अब जो है ना रात काफ़ी हो गई है और मामा वगैरह का दिल, मामा का मेनली दिल कर गया चाय का, तो मामा चाय बना के लेकर आए हैं। ये लोग सब चाय पियेंगे, मैं चाय नहीं पीती। और मैं अपने ब्लॉग को बस अभी एंड करती हूँ। तो अभी आप, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। मैंने आपसे पूछा था कि आप लोग कौन से ड्रामे देख रहे हैं आजकल, और निकी ने जो बताया उनमें से आपने कौन से ड्रामे मतलब जो है ना ग्रीन एंटरटेनमेंट के देखे हैं तो वो मुझे बताइएगा, और रिव्यू दीजिएगा कौन से देखने चाहिए मुझे भी। तो और अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लिया करें, और मुझे टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में नए कंटेंट के साथ इंशाल्लाह। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।